हम इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देख चुके हैं, तो उसका कन्वर्स पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जस्ट हमें अपोजिट करना है, जस्ट जो हमने नॉर्मल लास्ट में नॉर्मल प्रूफ किया था यूरिसन लेमा की हेल्प से, अब हमें वो गिवन लेकर चलना है। और हमने एक फंक्शन एफ ले लिया जो कि आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट में है, और वो ए टू बी को मैप कर रहा है। वी आर रियल वैल्यूड कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ अ क्लोज सबसेट एफ, मतलब ये जो पार्ट है इसमें, ये जो आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ से ये सारा पार्ट आपने गिवन लेकर आप चल रहे हो। आपको प्रूफ क्या करना है फिर लास्ट पार्ट, कि अगर ऐसा होता है तो आपकी कोई मैपिंग जी एग्जिस्ट करेगी ए टू बी पर। अब आपको जस्ट ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ये आप गिवन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिक्वायर्ड टू प्रूव देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ जी ओवर एक्स। एक्सटेंशन ऑफ एफ मतलब आपका ऑब्वियसली जी हो गया, बिकॉज हमने स्टेटमेंट में देखा है कि जो आपका जी है वो एक्सटेंशन है एफ का। तो हमें ऐसा एक प्रूव करना है कि एक फिर जी एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करेगा ओवर एफ। और आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना ज़रूरी है एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। और ये क्यों प्रूफ करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो आपका फंक्शन स्मॉल एफ था उसकी मैपिंग इस एफ से इस इंटरवल ए बी पर हो रही थी, बट हमने उसकी एक्सटेंशन ली थी और उसकी मैपिंग, वो जो फंक्शन हमने जी यूज़ किया था, इस पूरे की मैपिंग इस पर्टिकुलर ए बी पे मैप करने के लिए, तभी वो हमारा एक्सटेंशन बना था। अब यहाँ पर देखिए, हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी मैपिंग करवाते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फंक्शन एफ से, वो इक्वल होना चाहिए जी एक्स से। आप यहाँ पर कोई एलिमेंट सपोज करो एक्स ले रहे हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट एक्स का अगर आप इस फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं तो जिस एलिमेंट पे मैप कर रहा है उसी एलिमेंट पे तब भी मैप करना चाहिए जब आप इस जी का यूज़ करके उसको यहाँ से यहाँ पर मैप कर रहे हैं, तभी वो उसकी एक्सटेंशन कहलाएगी। अगर मान लो कि इस एक्स से आप एफ की आप एफ फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो सपोज करो कहीं और मैप कर रहा है, जी से कहीं और मैप कर रहा है, तो ये तो फंक्शंस फिर अलग अलग हो गए, हमने तो इसकी एक्सटेंशन की ही नहीं। जब वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं तो फिर किस बात का ये एक्सटेंशन हुआ, फिर ये तो अलग अलग ही फंक्शंस बन गए, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपके आपको एलिमेंट की अलग वैल्यू मिल रही है और दूसरे की अलग वैल्यू मिल रही है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल शो करना है, जिससे हम ये कह सकें कि जो आपका एफ है उसका एक्सटेंशन करने पे हमें ये जी मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसीलिए आगे हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, एफ वन एफ नॉट एक्स टू जी नॉट एक्स प्रूफ कर दिया, उसके बाद एफ वन एक्स इज इक्वल्स टू जी वन एक्स प्रूफ कर दिया, एंड सो ऑन एफ एम एक्स इज इक्वल्स टू जी एम एक्स प्रूफ कर दिया। ये हम इस तरीके से शो करेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्रूफ करने के लिए। वी बिगिन बाई डिफाइनिंग अ मैप। अब जैसे आपके पास स्मॉल f एक मैप फंक्शन था ऑलरेडी, अब हमने उसमें एक f नॉट एक फंक्शन ले लिया जो आपका f डोमेन आपका सेम है और मैप कर रहा है माइनस वन टू वन, ये हमने खुद से एक मैपिंग लेट की है। बाय सेटिंग f नॉट x इज इक्वल्स टू, ये जो स्मॉल f था आपका यहाँ पे मैपिंग थी, उस एलिमेंट के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू f। इस बात को पहले समझते, यहाँ पर ये आपका f हो गया और स्मॉल f आपका जो फंक्शन है इसकी मैपिंग आपकी a टू b हो रही है। हमने एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है f नॉट, जिसमें ये जो आपका f है इसकी मैपिंग माइनस वन टू वन हो रही है। अब इन दोनों में एक लिंक हो उसके लिए हमने इस तरीके से इस फंक्शन को सेट किया है कि जब एक x एलिमेंट आप लेते हैं उसको f नॉट से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसकी इमेज देखते हैं इस फंक्शन से, और उसी x वैल्यू की आप इमेज इस वाले फंक्शन से देखते हैं, तो दोनों की इमेज आपको सेम मिले। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई x एलिमेंट ले लिया, इसकी आप इमेज देख रहे हैं f ऑफ x देख रहे हैं वो इमेज, और उसी x एलिमेंट की आप इस वाले फंक्शन से इमेज देख रहे हैं तो आपको सेम इमेज मिले, ठीक है। इस तरीके से हमने इस फंक्शन को सेट किया है, अदरवाइज तो अगर हम ये हमने एक तरीके का लिंक रखा है इन दोनों फंक्शंस में। अब आगे है, फिर आप इंटरवल देख सकते हैं माइनस वन टू वन तक का इंटरवल रखा है। अब इस इंटरवल में हमने दो क्लोज सेट ले लिए हैं, दो क्लोज सेट हमने वन बाई थ्री, आप कोई भी एक मिडिल टर्म ले लीजिए, उससे हमने ब्रेक कर दिया है नंबर लाइंस इंटरवल को। तो जी नॉट एच नॉट हमने दो सेट्स मान लिए सच दैट के आप जैसे माइनस वन और माइनस वन बाई थ्री, इस तरीके से यहाँ पे इसमें हमने ले लिया यहाँ पर माइनस का वन बाई थ्री और दूसरा है आपका पॉजिटिव इस तरीके से,
ठीक है? तो ये आपका एक क्लोज इंटरवल, ये आपका क्लोज इंटरवल, और जब इसकी हम इनवर्स इमेज इसके अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब एफ नॉट इनवर्स, इसकी इमेज, इनवर्स इमेज जब हम डोमेन में देख रहे हैं, ठीक है? तो एफ नॉट दिस इनवर्स, इस इंटरवल का और इस दूसरे वाले इंटरवल का, इस इंटरवल का, ये पहला इंटरवल है, ये आपका दूसरा इंटरवल है, इसकी इमेज देख रहे हैं तो एच नॉट आ रही है, जैसे कि इसकी देखी तो जी नॉट आपको मिल गई, इसकी देखी तो आपको एच नॉट इनवर्स इमेज मिल गई, ठीक है? अब ये जो दोनों आपके इंटरवल्स थे क्लोज्ड है -1 और 1 में, इसी तरीके से हमने बीच का कोई एक एलिमेंट उठाकर और उनको दो क्लोज्ड इंटरवल में लिया था। अब ये दोनों जो आपके इंटरवल्स मिले हैं वो क्लोज्ड है -1 to 1 में, एंड एफ नॉट इज कंटिन्यू। अब जैसे कि हमें इस प्रूफ में कन्वर्सिव जो पार्ट है हमारा, इसमें हमें पता है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं। हमें प्रूफ बस क्या करना है कि जब हम इस फंक्शन की एक एक्सटेंशन लेते हैं दैट इज़ जी, वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है? तो इसके रिजल्ट्स को हम प्रूव करें हमें करना है। जैसे कि हमने उसके लिए क्या करा, एक मैपिंग डिफाइन कर ली, उसमें हमने क्लोज सेट्स बना लिए। तो अब जो हमारे रिजल्ट हैं कि ये दोनों हमारे क्लोज सेट हो गए इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है? और एफ नॉट हमारा ऐसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। हमने इस तरीके से ही इस फंक्शन को एक तरीके से लिंक कर रखा है, इन दोनों फंक्शंस को, एफ वाले और ये स्मूथ नॉड वाले फंक्शन को, ठीक है? अब आगे देखते हैं। इट फॉलोज दैट जी नॉड एंड एच नॉड आर क्लोज्ड इन एफ एंड सो, जैसे कि आपने जब उनकी इन्वर्स मैपिंग निकाली थी, इसकी जी नॉड थी, इसकी एच नॉड थी, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया, तो उन अगर ये इंटरवल आपने क्लोज लिए हैं, जब इसकी इन्वर्स इमेज निकालोगे आप तो वो भी क्लोज ही मिलेंगे, तभी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। और स्मॉल एफ हम ऑलरेडी गिवन यही तो लेकर चल रहे हैं कि वो कंटिन्यूस है, तो उसका रिजल्ट हमने यही यूज़ कर लिया कि जब हम इसकी इन्वर्स इमेज निकालेंगे, क्लोज सेट की इन्वर्स इमेज हमारे पास क्लोज ही होगी, तो जी नॉड और एच नॉड जो है वो हमारे क्लोज है इस एफ में। यहाँ से हमने क्लोज सेट लिए थे, इनकी इनवर्स इमेज निकाली, तो जी नोड और एच नोड मिले, वो भी हमारे क्लोज होंगे किसमें, एफ में। आगे है, अब हम इन दोनों सेट्स का, क्लोज सेट्स का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा यूरिसन लेमा में हमने ओपन सेट्स की बात की थी, तो हमने 0 और 1 जो इंटरवल हमारे पास था उन दोनों में से ओपन सेट्स निकाले थे और उनका इंटरसेक्शन देखा था। अगर आप लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, बट अब इसमें हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, तो हम क्लोज लेकर चल रहे हैं, क्लोज्ड का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। आपने इसका इंटरसेक्शन निकाला, वैल्यूज पुट करी, और वैल्यूज पुट करने के बाद इस तरीके से लिख दिया जो आपका एफ नॉट माइनस इनवर्स है, इस तरीके से। यहाँ पर ये आपका -1/3 है और ये +1/3 है, इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकालेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिला और इसका इन्वर्स इमेज 5 मिल जाएगा। दस जी नॉट एंड एच नॉट आर डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये जो आपने ये दोनों जो सेट्स मिले आपको इन्वर्स इमेज निकालने के बाद, ये डिसजॉइंट हैं आपस में, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एक्स जो है हमारा वो नॉर्मल है, ये हम गिवन लेकर चले हैं इस केस में, कन्वर्ज की स्टेट में केस में। फिर यूरिसन लेमा की हेल्प से हमने क्या करा, यूरिसन लेमा का जो रिजल्ट था वो कुछ ऐसा ही था कि अगर आपका जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो नॉर्मल होता है तो आपके पास एक फंक्शन मिलेगा जो आपके पास कंटिन्यूस हो। इसी तरीके से हमने फंक्शन लिया था तो उसी का यूज़ कर रहे हैं हम। अगर हमारा ये जो यूरिसन लेमा की हेल्प से हमने क्या करा कि हमारा हमारे पास जो स्पेस है वो नॉर्मल है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस मैपिंग हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, और उसको हमने जी नॉट नाम दे दिया जो एक्स से मैप हो रही है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है? जो ये हमने इंटरवल लिया है -3 से 3, हमने इंटरवल लिया है वो ये है हमारा -1/3 to 1/3, ये इंटरवल हमने लिया है कि सच दैट कि हमारे पास एक जी नोड ऐसा फंक्शन है जिसकी एक्स से मैपिंग हो रही है इस इंटरवल पे, सच दैट कि जब आप जी नॉट पुट करते हो, और ये जी नॉट और एच नॉट, जैसे कि आपका यूरिसन लेमा में दो डिसजॉइंट सेट थे F1 और F2, जब आप F1 पुट करते थे तो जो पहला A 0 to 1 था ना आपका इंटरवल, वहाँ पर तो आपका 0 आता था, जब आप एच नॉट पुट करते थे तो आपका ये वाला पार्ट जो एक्सट्रीम नेक्स्ट जो नंबर है इंटरवल का वो आता था। तो सेम उसी तरीके से हमने करा है, जी नॉट पुट करा तो -1/3 आएगा, एच नॉट पुट कर रहे हो तो 1/3 आएगा, सेम जो यूरिसन लेमा है वो हमने अप्लाई किया है। डिफरेंस जस्ट ये है, वहाँ पर F1 F2 था और यहाँ पर 0 और 1 था, बस हमने यही चीज़ रिप्लेस कर दी है। अब जो हमारे पास इंटरवल है वो था हमारे पास -1 to 1, जो हमने स्टार्टिंग में एफ नॉड फंक्शन का इंटरवल हम लेकर चले थे वो ये था -1 to 1। यहाँ पर जो आपका -1/3 है
और ये 1/3 है, ये आपका इंटरवल हो गया, जस्ट ये शो कर रखा है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एफ नॉट के लिए एक जी नॉट फंक्शन हम इक्वल दिखा चुके हैं। आई गेस ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट उसको हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे।